लिविंग मांगने वाले चार अपराधियों को गिरिडीह पुलिस ने हजारीबाग क्षेत्र से दबोचा है। एसपी ऑफिस में प्रेस वार्ता कर दी गई पूरी जानकारी। बताया गया कि बगोदर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चार अपराधियों को दबोचने में सफलता पाया। गिरफ्तार चारों अपराधियों को लेकर शनिवार की शाम एसपी डॉक्टर विमल कुमार और एसडीपीओ धनंजय राम ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गिरफ्तार चारों अपराधी हजारीबाग के अलग अलग इलाके के हैं, लेकिन इन्हीं चारों अपराधियों ने थाना क्षेत्र के खेतको गांव में निर्माणाधीन पुल के ठेकेदार के मुंशी से लेवी की मांग किया था। एसपी और एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में टाटीझरिया थाना इलाके के खेरका गांव निवासी डेगलाल बास्के, इसी थाना इलाके के चुरचू गांव निवासी महावीर सोरेन, विष्णुगढ़ थाना इलाके के चित्रामो गांव निवासी रामलाल मरांडी और दिनेश मांझी शामिल है। एसपी और एसडीपीओ ने बताया कि इन चारों अपराधियों के पास बरामद मोबाइल में जितने कॉल डिटेल मिले हैं वे सारे लेवी मांगने से जुड़ा हुआ है और इन चारों ने प्रतिबंधित संगठन NSPM के नाम पर खेतकों में बन रहे पुल के ठेकेदार से लाखों की लेवी की मांग किया। इस दौरान इन चारों अपराधियों ने पुल निर्माण के कार्य में लगे मजदूरों के साथ भी मारपीट किया था। बताया कि चारों अपराधी इस इलाके के किसी योजना के ठेकेदार से लेवी की मांग करते रहे थे और पहले भी जेल जा चुके हैं। ये बगोदर थाना में जो है वो 27 अगस्त को एक रिपोर्ट हुआ था जिसमें एक ठेकेदार के द्वारा ये बताया गया था कि उनको धमकी दी जा रही है और जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें लेवी की मांग की जा रही है और इसको लेकर के एक टीम बनाया गया एसडीपीओ के नेतृत्व में और उसके बाद इसमें काफ़ी मदद दी गई और भी इंटेलिजेंस इनपुट का और इसमें जो शामिल संदिग्ध अभियुक्त था डेगलाल बास्के जिसके पास से मोबाइल फ़ोन की बरामदगी हुई और इससे यह स्पष्ट हुआ कि उसी फ़ोन से उस ठेकेदार को धमकी दी जा रही थी और उसके द्वारा जो जिसका हम लोगों ने आगे इन्वेस्टिगेशन भी किया जिसमें ये चार लोगों की संलिप्तता इसमें प्रथम दृष्टया सामने आया, जिसमें डेगलाल बास्के जो टाटीझरिया हजारीबाग का रहने वाला, साथ ही साथ रामलाल मरांडी जो विष्णुगढ़ हजारीबाग का रहने वाला और दो अन्य जो हैं महावीर सोरेन ये टाटीझरिया हजारीबाग का रहने वाला और दिनेश मांझी जो ये टाटीझरिया हजारीबाग का रहने वाला, इन चारों व्यक्तियों के पास से मोबाइल सिम और जिसमें जो यूज़ किया गया है और जो बातचीत की गई है उनको जब्त किया गया। इनके द्वारा इनका एक मोडस था कि ये हजारीबाग जिला के दारू टाटीझरिया विष्णुगढ़ बोकारो और गिरिडीह जिला के बगोदर थाना क्षेत्र के जो भी ठेकेदार क्रशर मालिक ये जो भी लोग थे इनसे लेवी की मांग पिछले कई बार से कर रहे थे और इनकी तलाश हम लोगों की थी और इन चारों की संलिप्तता प्रकाश में आई है। पूर्व में भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है और बाकी हम लोग इसमें अनुसंधान कर रहे हैं और आगे भी इसमें अगर और भी कोई लोग संलिप्त हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।